नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन दाखिल खारिज को लेकर। अब बिहार में जमीन दाखिल खारिज करने के लिए अलग से दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री के बाद से म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया की शुरुआत 31 मार्च को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार करेंगे। उद्घाटन के साथ ही जमीन की खरीद और इसके साथ दाखिल खारिज करने की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगा। आपको बता दें कि भूमि एवं राजस्व विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन की कार्यवाही स्वतः शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी यह सुविधा उन्हीं क्रेताओं को दी जाएगी जिन्होंने जमाबंदी रैयत से ज़मीन की खरीद की हो। वैसे विक्रेता जिनके नाम पर जमाबंदी कायम नहीं है और उनके नाम से रसीद भी नहीं कटा है, उनसे अगर ज़मीन की खरीद करते हैं तो पूर्व की तरह ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया के तहत दाखिल खारिज करना होगा। स्वतः म्यूटेशन की सुविधा का लाभ लेने के लिए खरीदारों को एक प्रपत्र भरकर रजिस्ट्री ऑफिस में देना होगा। इस प्रपत्र में प्रत्येक विक्रेता की जमीन जमाबंदी और व्यक्तिगत व्यवहार का स्वतः म्यूटेशन के लिए अपनी सहमति देना होगा। सहमति पत्र भरकर देने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से म्यूटेशन की कार्यवाही की जाएगी। म्यूटेशन को लेकर बिहार सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अब ऑनलाइन दाखिल खारिज की अस्वीकृत करना इतना आसान नहीं होगा। अब राजस्व कर्मियों को यह बताना होगा कि दाखिल खारिज की किन कारणों से अस्वीकृत किया गया है। विभाग ने यह भी कहा कि अगर किसी कागज में कमी है तो रैयत को मौका देकर कागज मंगवाया जाए। NIC ने इसके लिए सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया है। 26 मार्च से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। जमीन दाखिल खारिज मामले में पहले भी यह नियम था कि दाखिल खारिज अस्वीकृत होने पर कारण बताना था, लेकिन आदेश स्पष्ट नहीं था। अब किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने के पहले आवेदक और रैयत को साफ साफ कारण बताना होगा। ऑनलाइन म्यूटेशन में अस्वीकृत मामलों की बढ़ती संख्या की वजह से रैयतों को भी हो रही परेशानी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह नया तरीका विकसित किया है। पहले दाखिल खारिज के किसी मामले को अस्वीकृत करने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा कारण को मैन्युअली टाइप किया जाता था। अब ड्रॉप डाउन से उसे सेलेक्ट करना होगा। अब कुल 35 मामलों को सॉफ्टवेयर में ड्रॉप डाउन में डाला गया है। दाखिल खारिज में जो अस्वीकृति की समस्या सामने आ रही थी उसके प्रमुख कारण को विभाग ने खोज लिया है। सबसे पहले वो कारण है वंशावली से संबंध स्पष्ट नहीं होना, उसके बाद दर के वाला संलग्न नहीं होना, जमाबंदी क्षतिग्रस्त होना, मिला जुला खेसरा का होना, विक्रेता एवं जमाबंदी रैयत से संबंध का, आवेदन के साथ संलग्न साक्ष्य का अपठनीय होना, जमीन का विवादित होना आदि है। ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी सीधे सीधे आवेदन को अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। इन 15 मामलों को ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते ही आवेदक को उनके मोबाइल पर अपने आप एक मैसेज चला जाएगा। मोबाइल फोन वही होगा जो आवेदक अप्लाई करते समय खुद से भरेगा। मैसेज में स्पष्ट रहेगा कि आवेदक को अंचल कार्यालय आकर 7 दिनों के भीतर वांछित दस्तावेज जमा करना होगा। इस पूरे मामले पर बोलते हुए भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद आवेदकों को अस्वीकृत करने की रफ्तार में कमी आएगी। इससे रैयतों को काफी लाभ मिलेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।